Jai Hind student, today we want to take new topic to locate some irrational number on the number line. आज लोग सीखेंगे कि irrational number को number line पे कैसे locate करते हैं. इसके in previous classes we have already learned about the some numbers which is already located on the number line means natural number, whole number and irrational number. इसके पहले आप लोग earlier classes में whole number को कैसे number line पे represent करते थे और natural number कैसे करते थे, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, तो आप लोगों ने सीखा है. क्लास नाइन्थ में हम लोग सीखेंगे कि नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करते हैं. हाउ कैन यू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. सो वी टेक वन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. एक आपका एग्जांपल यहाँ पे है कि लोकेट नंबर लाइन रूट टू को नंबर लाइन पे लिख करना है. सो इसके लिए सपोज जैसे यार आपका स्क्वायर है, नाउ वी टेक स्क्वायर ओ ए बी सी स्क्वायर. सपोज दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड आप 7 सेंटीमीटर इसको हमें यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं. देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ओ बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर दोनों का सम करिए 1 1 ये कितना आ गया आपका √2. ठीक है, तो यही इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. जैसे सपोज ये आपका ये है नंबर लाइन, इसी नंबर लाइन. सपोज ये आपका स्केल दिया, इस स्केल में 0 मान लीजिए. स्केल आपका है ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 0, 1, 2, 3 and 4. तो यहाँ पर भी ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर 1, 2, 3 and 4. यहाँ देखिए क्या है, 1 सेंटीमीटर है. यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है ना, कि यहाँ पर आप सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है, ये आप 90 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ कर दीजिए 1, 2 and 3. आपका 90 डिग्री आप इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिएगा. जब आप ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर ओके. फिर यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर. इसको ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, वो इसको सपोज कर लीजिए आपका पी हो गया और ये आपका सी हो गया. ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तो पाइथागोरस के थ्योरम से कितना आ जाएगा आपका √2 सेंटीमीटर. अब जब ये √2 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, ये √2 किस पे शो करना चाहिए, नंबर लाइन पे ना. तो आप यहाँ रखिए, देखिए ऐसे है, यहीं से आप इस तरीके से तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया. ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट कर रहा है √2 को नंबर लाइन पर. ठीक है, √2 की वैल्यू आप क्लास 8 में स्क्वायर रूट पढ़े हैं, उससे आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो 1.4 आ जाएगा आपका. तो यहाँ से जब आप मेजर करेंगे स्केल से कितना आएगा 1.4, समझ लीजिए वो करेक्ट है. इस तरीके से आप वेरीफाई कर लेंगे. अब इसी बेसिस पर आपका रूट
थ्री, रूट थ्री, ठीक है। रूट थ्री में कैसे ड्रॉ करें, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका लोकेट, लोकेट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पर। इसके लिए भी आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए। जी ये बताइए, जैसे मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं, ये आपका रूट टू है और ये वन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट टू का स्क्वायर एंड वन का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर कितना, टू प्लस वन, रूट थ्री। इसका मतलब एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, रूट टू होनी चाहिए, दूसरी वन होनी चाहिए। तो देखिए आपके पहले से यहाँ बना हुआ है, ये रूट टू है ना, इसको यस कर दिया जाए। तो आप यहाँ से जैसे सपोज नंबर लाइन यहाँ लीजिए, ये आपका नंबर लाइन है जीरो, ठीक है, जीरो वन सेंटीमीटर, टू सेंटीमीटर, थ्री सेंटीमीटर, ठीक है, एक वन सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ वन सेंटीमीटर, यहाँ आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर, ड्रॉ करने के बाद ये वन ये कितना होना चाहिए, रूट टू। तो जो आप पहले से आपने रूट टू फाइंड किया है, यहाँ से रूट टू की लेंथ देखिए हम मेयर कर, ये रूट टू है, ये भी हो, आप यहाँ से, ठीक है, ओ बी सी, ये वैल्यू कितनी आपकी है, रूट टू, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के बाद आफ्टर ज्वाइन ओ एंड सी, अब यहाँ से देखिए ये है आपका कितना हो जाएगा, जब ये वन सेंटीमीटर है आपका, ये टू टू कितना हो जाएगा आपका, रूट थ्री। सो लाइक दिस ये आपका पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट टू है ये आप इंडिकेट कर रहा है वैल्यू ऑफ रूट थ्री। तो इस तरीके से हम लोग रूट थ्री वैल्यू